हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना चैप्टर पढ़ रहे थे। 9 चैप्टर है, 10 चैप्टर्स हैं टोटल हमारी किताब में, जिसमें से 9वां चैप्टर है और इसका नाम है हम लोगों का पर्यावरण और धारणी विकास। धारणी विकास का जो अच्छा नाम है हिंदी में, ज़्यादा सही हिंदी होनी चाहिए, वो सतत विकास है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारी किताब है एनसीईआरटी की, उसमें कुछ कुछ जगह पर इस तरह का जो ट्रांसलेशन है वो उतना अच्छा नहीं दिया रहता है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल, जो सस्टेन किया जा सके, हमेशा चलता रहे। सस्टेन को हिंदी में धारण भी बोलते हैं, तो धारण विकास भी इतना गलत नहीं है। ये सब बात मैं आपको बता चुका हूँ। इसी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बात की थी वो ये थी कि भारत में कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्याएं हैं, उनके बारे में बात की थी। अब उन्हीं में से एक एक समस्या जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको समझने की कोशिश करेंगे। और उसी में जो हमारी पहली समस्या आती है वो आती है भूमि का अपक्षय। भूमि का अपक्षय इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत एक कृषि प्रधान देश है और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कृषि पर निर्भर हैं। और साथ में हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, एक टर्म आता है बहुत कॉमन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड सिक्योरिटी, ठीक है, इंग्लिश में है। इसका मतलब क्या होता है कि हम लोगों को किसी और देश के ऊपर भी निर्भर ना रहना पड़े खाने को लेकर के। प्लस जो भी हमारे खाने में इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स हैं, प्रोटीन है, ये सारी चीज़ें भी मीट होती रहे। और उसमें आपको पता होना चाहिए कि भारत एक काफ़ी बड़ा शाकाहारी देश है। कैसा देश है? शाकाहारी। कम ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी शाकाहारी का महत्व होता है, शाकाहार होने का। अगर लोग शाकाहारी हैं तो कम आपका मीथेन उत्सर्जन हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताई जब ग्लोबल वार्मिंग डिस्कस किया था इसी चैप्टर में। तो यहाँ पर क्या है, शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स होता है, वो अंडे तो खाते नहीं है, बाकी भी नॉनवेज चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए दालें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दाल में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। अब जब दालें हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि दालों का सबसे बड़ा सेवन करने वाला देश हमारा है। और इस वजह से जब कोई एक इतना बड़ा देश है जो दालों का सेवन कर रहा है, तो यहाँ पर हम किसी और देश पर निर्भर हो जाते हैं कभी कभी। और देश में दाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कभी कभी अरहर दाल, इसको तूर दाल भी बोलते हैं, वो 200 रुपए किलो तक पहुँच जाती है। तो ऐसे में उसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज में आने लग जाते हैं। तो यहाँ पर राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से दालें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें इंश्योर रहें कि इस तरह की समस्याएं ना आ पाए, इसके लिए क्या होता है, हमें फूड सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ रही होती है, ठीक है। तो ये बात है। इसी में अगर हमारी जमीन ही ठीक नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगी, इस तरह की समस्याएं आने लग जाएंगी। और ऐसा ना हो इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो भूमि का अपक्षय है, जो सॉइल और का डिप्लीशन है, डिप्लीशन समझ रहे हैं, उसकी जो गुणवत्ता है वो खराब हो रही है, उन सारी चीजों को बचाने के लिए क्या क्या है, उसके क्या क्या कारण है, उसकी बात हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक तो वन विनाश हुआ है। डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया? आपको इंडस्ट्री लगानी थी तो आपको जमीन चाहिए, आपने पेड़ों को काट दिया। आपको एग्रीकल्चर करना था, भूमि चाहिए थी खेती करने के लिए, तो जो खेती कर रहे होते हैं वो पेड़ नहीं होते हैं, है ना, छोटे छोटे पौधे हैं, अनाज लग रहा होता है। वहां पर क्या होता है, आपने जंगलों को काट दिया। और जंगल एक तरह का खुद को सस्टेन करने का सिस्टम होता है, जहाँ पर वो पेड़ फिर से लगते चले जाते हैं। तो अगर आपने उनको खाली कर दिया, जैसे गंगा यमुना का जो पूरा मैदान है, कहा जाता है जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो हमारी सिंधु घाटी सिविलाइजेशन थी, उस समय के बाद से हमने इन मैदानों को साफ करना स्टार्ट किया, पहले जंगल हुआ करते थे। तो क्या होता है, उसके विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि होती है, जो रेट बहुत तेजी से बढ़ गया, खासतौर से इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। फिर क्या है, आधारणीय जलाऊ लकड़ी और चारे का निष्कर्षण, मतलब जहाँ पर जंगल जैसा है भी बचा हुआ है, लेकिन आप वहाँ से इतनी ज़्यादा मात्रा में लकड़ी निकालने लग जाओ कि वो जंगली खत्म होना स्टार्ट हो जाए, या फिर आप वहाँ पर इतनी ज़्यादा जैसे चारागाह होते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, जानवरों के लिए एक सीमा तक अगर वो चर रहे हैं तो फिर से घास उग जाती है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा जानवरों ने चरना स्टार्ट कर दिया कि वो भी खत्म हो गया, तो ये समस्या हो जाती है। इन दोनों से क्या हो जाता है, हमारा जो भूमि है उसका विनाश होना स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, ये तो पेड़ों को काटने की चीज़ दिखाई जा रही है, और इसी तरह से यहाँ पर भी स्थिति है कि यहाँ पर जंगल है पूरा आधे में, और यहाँ पर आपका जंगल जो है वो खत्म जैसा हो गया, ठीक। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर आपका ये आया खेती बाड़ी, बाड़ी लिखा हुआ है, बाड़ी लिख सकते हैं इसको, है ना। इसमें भी क्या होता है, खेती बाड़ी के लिए भी आप जंगलों को खत्म कर देते हो। फिर वन भूमि का अतिक्रमण, वन भूमि का अतिक्रमण मतलब क्या हुआ, जहां पर हमारे देश में अलग अलग तरह की फॉरेस्ट कैटेगरीज आती है, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, जहां पर आप कुछ छेड़खानी नहीं कर सकते आमतौर पर, तो वो सारी चीजें वहां पर भी अतिक्रमण होना स्टार्ट हो गया। तो इनसे क्या हो जाता है कि जमीन का अपक्षय होने लग जाता है। ऐसे ही क्या होता है, वनों में आग और अत्यधिक चराई, खास तौर से जब गर्मियां होती है ना, तो कुछ कुछ ऐसे पेड़ पौधे की प्रजाति होती है जिसमें काफी आसानी से आग लग जाती है और सूख जाते हैं, तो बहुत आग लग जाती है। मैं उदयपुर में रहता हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है
कि बहुत सुंदर शहर है, लेकिन जब गर्मी आ रही होती है तो यहाँ पर लोग पहाड़ियों पर आग लगा देते हैं और पूरी पहाड़ पर धीरे धीरे करके करके पूरी आग फैल जाती है। लोग शिकायत भी करते हैं प्रशासन से कई बार। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी अभी कुछ समय पहले। तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर वनों का नुकसान हो जाता है, और वनों के नुकसान से कई तरह की समस्याएं आ रही होती हैं, जिसमें आप देख रहे इस तरह की आग लग जाती है। पूरा का पूरा बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर एकदम से आपको लाल ही लाल दिखाई पड़ेगा और पूरा जल करके तबाह हो जाएगा वन। तो उस तरह की चीज है। अत्यधिक चराई वाला पॉइंट मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। फिर क्या है, भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों का ना अपनाया जाना। बहुत सारे बेसिक उपाय हैं, जैसे आपको बताता हूँ, कर्नाटक में एक जगह पड़ती है जहां पर लोग ट्रेकिंग करने जाते हैं, ठीक है, चिरमंगलूर के पास एक जगह पड़ती है। तो वहां पर जब ट्रेकिंग करते हैं, ट्रेकिंग करने मतलब क्या होता है, कुछ पहाड़ वगैरह है जिसमें अच्छा रास्ता है, तो उससे लोग निकल करके जा रहे होते हैं, तो 2 महीने आते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ तो रहता है मई और जून, क्या रहते हैं, 2 महीने। इन 2 महीनों में उस ट्रेक वाले रास्ते पर भी क्या हो जाता है, बहुत सारी चीजें सूख जाती हैं। पानी वर्षा हुई नहीं और गर्मी पड़ गई है, अब गर्मी काफी दिन पड़ती रहती है तो सारी चीज सूख जाती है। अब सूखने में कई लोग क्या करते हैं, वहां पर टहलने के किसी भी तरह से चिंगारियां गिर गई। कई बार लोग क्या करते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, सिगरेट पीते पीते कोई कोई ट्रैक करने वाले इंसान उसने सिगरेट पी करके ऐसे छोड़ दी जब लास्ट में रह गई, तो उस चिंगारी से पूरे पूरे जंगल में आग लग जाती है। तो ये चीज ना हो इसीलिए वहां पर क्या करता है प्रशासन, कि उस 2 महीने के लिए वहां पर ट्रैकिंग बंद करा दी जाती है, कोई जाएगा ही नहीं। जब कोई जाएगा ही नहीं तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी। तो ऐसी चीजों के लिए क्या होता है, हम लोग जो उपाय होते हैं ना इस तरह के, उन उपायों को अपना रहे होते हैं। अब ये सारे उपाय हर सारी जगह पर हम लोग नहीं अपना रहे होते, ये समस्या है। तो इस वजह से भी क्या हो जाता है, हमारा जो भूमि है उसका अपक्षय होता रहता है और हम उन सारी चीजों को, उपायों को उतने अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे, इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये हुआ। फिर क्या है, अनुचित फसल चक्र। जैसे बोला यह जाता है, 2 तरह की चीजें होती हैं, क्या होती है, एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग समझ रहे हैं, एक होती है मिक्स्ड फार्मिंग और दूसरी होती है कि आप अलग अलग वर्षों में अलग अलग तरह की खेती करो, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पर जो दालें होती हैं और दलहन और तिलहन, तिल भी आपने कभी खाया होगा, तिल के लड्डू भी बनते हैं, मकर संक्रांति पर हम लोग खाते हैं, तो उस तरह की जो फसलें होती हैं ना, उन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी रहती है, ये बैक्टीरिया नहीं होती है लेकिन ये भी रहती है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी ये भी काम करती है। अब ये क्या करते हैं, ये जमीन में नाइट्रोजन को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग यहाँ पर एक फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, यूरिया, सब लोग जानते होंगे उसको। यूरिया में क्या होता है, मेनली नाइट्रोजन ही क्षमता बढ़ा रही होती है जमीन की। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो खुद से जमीन को ज्यादा उर्वरा क्षमता बढ़ा रहे होते हैं। आप एक ही जैसी फसल बनाते जाओगे तो कोई भी जो फसल बन करके आ रही होती है ना, वो जमीन से कुछ विशेष तरह के तत्वों का ही अवशोषण करता है वो पौधा। तो अगर आप एक ही चीज लगातार लगाते चले जाओगे तो क्या हो जाएगा, उस तरह के तत्वों की कमी हो जाएगी और फिर जमीन की जो उर्वरक क्षमता है वो समाप्त होने लग जाएगी। तो इसको बचाने के क्या कर सकते हैं, एक जैसे मान लीजिए आप ऐसे समझिए, ये हमारा एक खेत है, ठीक है, इसमें देखिए यहां पर अलग फसल है, फिर अलग फसल है, फिर इसके बाद कुछ दूसरी फसल आई, फिर दूसरी फसल आ गई, तो क्या करते हैं ऐसे लाइन बना देते हैं। यहां पर मान लीजिए एक फसल ऐसा ऐसे लगाई है, यहां पर भी वही फसल है और यहां पे दूसरी फसल है, तो क्या होता है, इससे 2 तरह की फसलें हो रही हैं आपकी। मान लो दो, बहुत सारे फायदे होते हैं इसके, कि अगर मान लीजिए किसी फसल का दाम बहुत कम हो गया तो आपके पास दूसरी फसल है जिसका दाम उतना कम नहीं होगा, तो आपको एक तो वो सहूलियत रहेगी, दूसरा इस जमीन में इस बार हमने इन तत्वों का अवशोषित कर लिया, अगली बार इस वाली जमीन में ये वाली फसल लगा देंगे और इस वाली जमीन में ये वाली फसल लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरह जो जमीन है पूरी की पूरी उसकी उर्वरक क्षमता समाप्त नहीं होगी, बनी रहेगी। तो इस तरह की चीजें कर देते हैं, ठीक है। तो अनुचित फसल चक्र जब ये सब ना किया जाए, आप एक ही फसल लगातार लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, लगाते चले जाओ, उससे क्या हो जाता है, उससे भी हमारी जमीन की गुणवत्ता जो है वो खराब होने लग जाती है। फिर क्या है, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग होता है। हमारे यहाँ पर मैंने आपको बताया यूरिया की बात बताई, यूरिया होती है सब्सिडाइज, सस्ती मिलती है, जितनी लागत आती है उससे भी सस्ती मिलती है, सरकार सब्सिडी देने की कोशिश करती है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका प्रयोग कर पाए, लेकिन कई लोग अज्ञानतावश और एक दूसरे के देखा देखी में जितनी यूरिया की आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा डालते चले जाते हैं। होता क्या है, 3 तत्व होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट जमीन के लिए, NPK, N से मतलब नाइट्रोजन, P से मतलब फॉस्फोरस और K से मतलब पोटेशियम। तो इनका एक अनुपात होना चाहिए, आमतौर पर 4:2:1 जो है वो अच्छा माना जाता है, ठीक। अच्छा, यूरिया में क्या रहता है, यूरिया में तो मुख्य रूप से आपका नाइट्रोजन ही रहता है, तो 4 होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए यूरिया, लेकिन इतना ज्यादा यूरिया डाल देते हैं कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो उस पूरा जो अनुपात है उसमें विसंगति आ जाती है, तो ये भी समस्या होती है। तो कृषि रसायन का भी हम लोग कई बार इस तरह का उतना गंदा प्रयोग कर देते हैं। ऐसे क्या होता है, रासायनिक खाद है और कीटनाशकों का भी, पेस्टिसाइड छिड़कते जा रहे, उससे भी क्या होता है, जमीन का जो पूरा आपका केमिकल कंपोजिशन है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं।
इससे बहुत सारी समस्या आ जाती है, ठीक है। फिर क्या है, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंधन है। बहुत सारी जगह पर ऐसा है, भारत में अभी भी आपको दुख की बात है कि करीब करीब 55% ही क्षेत्र ऐसा है खेती में जहां पर सिंचाई की ठीक से व्यवस्था उपलब्ध है, 45% में नहीं है, ठीक है। देश की आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं, उसके बाद की स्थिति है। और दूसरा क्या है, भूमि जल का पुनः पूर्ण क्षमता से अधिक निष्कर्षण हो रहा है। खास तौर से अगर आप देखोगे पंजाब हरियाणा, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो आपको खेती के मामले में लगता है कि अरे आप जब भी कोई मूवी देखते हो ना तो उसमें देखते हो कि पंजाब के लहलहाते खेत हैं, तो वहां पर भूमि जल से इतना ज्यादा सिंचन किया जा रहा है कि ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम होना स्टार्ट हो गया। जबकि यहाँ पर नदियां हैं, पंजाब का मतलब होता है 5 नदियों का राज्य है, ठीक है। वही रवि, सतलज, व्यास, झेलम, ये सारी नदियां उधर से निकल के, अब झेलम तो ऊपर से भी चली जाती है, लेकिन ये सारी ऐसी नदियां मिलकर के हैं, तो वहां पर पानी है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्यूबवेल का बहुत ज्यादा प्रयोग करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे भी समस्या होना, जो समस्या है वो दिखाई पड़ना स्टार्ट हुई है, ठीक है। ऐसे ही क्या आता है आपका, संसाधनों का निर्बाध उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता। अब जब लोग गरीब होते हैं ना तो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, उनको पता भी अगर है कि वास्तव में हमें इन सारी चीजों की आवश्यकता का ध्यान देना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं है। तो एक सरकार की स्कीम लेकर के आई थी SHC, सॉइल हेल्थ कार्ड, जमीन की स्वास्थ्य कैसा है उसका एक कार्ड जारी करने की स्थिति थी कि आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बताया जाएगा कि आपकी जमीन में इन इन चीजों की आवश्यकता है, तो आप उसी तरह की खादों का प्रयोग करें। लेकिन होता क्या है कई बार कि सरकार, जो किसान है उसके पास इतना पैसा ही नहीं है, वो समस्या जाती है, और जो संसाधन है उनकी उस तरह की उपलब्धता नहीं रहती है, इस वजह की बात है। तो यह संसाधनों की निर्बाध उपलब्धता का ना होना ये समस्या है, ठीक है, ना होना ये समस्या है। उपलब्धता रहेगी तब तो अच्छी बात है। ये हो गया, ऐसे क्या हुआ, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आप समझिए कि विश्व जनसंख्या है ना भारत पूरे दुनिया में, वो लगभग आप मान लीजिए 7.5 अरब के आसपास है। 7.5 अरब कितना हुआ, 750 करोड़ हुआ। कितना हो गया लगभग 750 करोड़, और उसमें भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, भारत में लगभग आप मान लीजिए 135 करोड़ लोग हैं अभी, तो भारत में 17% से भी थोड़ी ज्यादा जनसंख्या है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 100 लोग अगर है तो उसमें से 17 लोग तो भारत में रहते हैं, तो इतना बड़ा देश है हमारा। अब उसमें क्या है, अगर आप जानवर की बात करोगे, क्योंकि जानवर भी बहुत सारी चीजें खा रहे होते, चारागाह वगैरह है, तो वो भी क्या होता है, प्राकृतिक संसाधन, और उसमें भी खासतौर से जमीन के ऊपर प्रेशर आ रहा है ना, क्योंकि भाई सारे लोग खाना तो खाएंगे ही, तो जमीन के ऊपर जो प्रेशर आ रहा होता है उसमें भी पूरे दुनिया में अगर 100 जानवर हैं, खासतौर से जानवरों में हम लोग पशुधन की बात कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या आती है, हमारे गाय और भैंस ही आ रहे होते हैं, तो उसमें भी लगभग 20 तो भारत में है, तो मनुष्यों और जानवरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है भारत में, लेकिन जो पूरा एरिया है, लैंड एरिया है, वो बहुत ही कम है। विश्व का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है उसका सिर्फ 2.5% है, 2.53% आता है, ठीक है, मतलब 2.5% के आसपास किसका, पूरे दुनिया का नहीं, पूरे दुनिया में जो भूमि है, लैंड की बात हो रही, क्योंकि समुद्र तो बहुत ज्यादा है उसका तो छोड़ी दो, तो जो लैंड एरिया है वो 2.53% है। तो अब ऐसे समझ लो कि इतनी बड़ी जमीन है टोटल, ठीक, उसमें से आपके पास इतना सा एरिया है ना 2.5%, लेकिन इसमें रह कितने लोग रहे जो वास्तव में इतनी में जगह में रहना चाहिए था, ऐसे समझ लो, इससे भी ज्यादा में, ये तो चौथाई से कम हुआ, इतनी जगह में रहने वाले लोगों के लिए एरिया सिर्फ इतना है, तो क्या हो जा रहा है, संसाधनों पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये भी बहुत बड़ी समस्या है, ठीक। तो ऐसे क्या है, देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि कितनी है, 0.08 हेक्टेयर है, ठीक है, जबकि ये थोड़ा इंप्रूव किया है हमारे यहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उसने काफी अच्छा काम किया पिछले कुछ वर्षों में, और उनके सतत प्रयास की वजह से थोड़ा बढ़ा है। होना कितना चाहिए, होना 0.47 चाहिए, ठीक है, तो होना चाहिए 47 मान लीजिए कोई चीज, और है आपके पास 8, तो ये भी बहुत बुरी स्थिति है, क्यों, क्योंकि इससे भी क्या हो रहा है, जो हमारे जंगल है उनके ऊपर और ज्यादा प्रेशर बनता जा रहा है, तो ये समस्या है। ऐसे समझ लीजिए, इस तरह का भी अपर्दन हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गली इरोजन बोलते हैं, ठीक है, पूरा पूरा भयंकर इरोजन हो जाता है पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण, ये इरोजन की बात है, 5.3 बिलियन टन प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर प्रतिवर्ष है, ठीक है, यहाँ पर ये प्रतिशत नहीं रहेगा, इसकी दर से हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अब 5.3 बिलियन टन, ये अपने को याद नहीं करने की आवश्यकता है, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा मिट्टी जो है वो कट करके चली आ रही है, और मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, मिट्टी इसलिए इंपॉर्टेंट रहती है क्योंकि उसी में वो सारे तत्व हैं जो किसी भी फसल को सस्टेन कर पा रहे हैं, तो ये समस्या है। इससे क्या, इससे क्या हो जाता है, देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन, ठीक है, 1.8 मिलियन टन फॉस्फोरस और 26.3 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि NPK इनका अपना अपना कुछ कुछ अनुपात रहता है, यही तीनों चीजें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, तो उनका भी अब क्योंकि मिट्टी में वही सारी चीजें, तो वो भी बह करके चले जा रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो तत्व तो है वो जा रहे हैं, और उनके लिए फिर हम लोग खाद बना रहे हैं, और वो खाद बनती है पैसे से, तो कितना सीधा सीधा आप देखिए कि आर्थिक नुकसान कितनी बड़ी दृष्टि पर हो रहा है अगर हम लोग पर्यावरण को ध्यान में नहीं रख रहे हैं।
और क्या हुआ, प्रत्येक वर्ष अपरदन के कारण खोए गए पोषक तत्वों की मात्रा 5.8 से 8.4 मिलियन तक हो सकती है। ये भी आपको डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप ये समझिए कि कौन कौन से तत्व इंपॉर्टेंट हैं और वो बहुत तेजी से बहते खोते चले जा रहे हैं, ये हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्या हुआ, वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण की हम लोग बात कर लेते हैं, तो हम लोगों ने अभी तो जो बात की थी वो भूमि के अपक्षय की बात की हुई थी। अगला जो पॉइंट आ जाता है वो हमारा वायु प्रदूषण का जाता है, इसकी क्या स्थिति है। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।